हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल एंड वेलकम टू द चैनल ECLE, एवरीबडी कैन लर्न इंग्लिश। सो आज के हम सेशन में हम पढ़ने वाले हैं टू बी पास्ट सेंटेंस, जो मतलब भूतकाल, जो पास्ट में हम पढ़ेंगे भूतकाल वाला सेंटेंस, जो पास्ट की बात करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे टू बी पास्ट सेंटेंसेस, और हम टू बी पास्ट सेंटेंस को नाउन और एडजेक्टिव के रूप में बनाना सीखेंगे। तो मैंने कुछ सेंटेंसेस लिए हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। वह बहादुर था, वह ईमानदार था, हम बहादुर थे, वे अच्छे थे, मैं मासूम था, और कुर्सी टूटी थी। तो इस प्रकार मैंने 5 सेंटेंस लिए हैं। तो आज हम जो सेंटेंस बनाना सीखेंगे, हम टू बी पास्ट के सेंटेंस सीखेंगे। और जो मैंने पहचान लिखी है, था, थी, थे, था, थे और थी, और भी हो सकती है, अगर वो आएंगी तो मैं फिर बताऊंगा। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे टू बी पास्ट सेंटेंस। इससे पहले कि मेरा अनुरोध है कि यदि आपने चैनल पर पहली बार हैं, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और प्रेस द बेल आइकन। और आपकी फर्स्ट क्लास है तो मैं जान सकता हूँ कि आपने पिछली क्लास है नहीं देखी होगी। तो मेरा जो अनुरोध हो और मेरी एडवाइस है कि आप इंट्रोडक्शन क्लास स्टार्टिंग से देखें, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से सेंटेंस बनाना सीख पाएँ। तो अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप, और पुरानी क्लासें भी देख सकते हैं, जो अभी 5 क्लासेस हुई हैं, तब आराम से 10 या 15 मिनट के बीच वाली क्लास हैं, तो आराम से आप कवर कर सकते हैं। ज़्यादा 1 घंटा या 1.5 घंटे की क्लास नहीं है, तो हम कह सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे टू बी पास्ट सेंटेंस, और इसको हम बनाना सीखेंगे सेंटेंस को। तो सबसे पहले कुछ जो हर बार की तरह नियम होते हैं, तो इसमें यूज़ होता है वॉज, और हम वर्ब का उपयोग करते हैं, इसको हम वर्ब पढ़ते हैं। कुछ लोग इसको बेयर पढ़ते हैं, लेकिन इसको हम वर्ब पढ़ते हैं। तो वॉज और वर्ब का यूज़ हम करते हैं। तो देखते हैं कि कैसा होता है। आई के साथ हम वॉज का करेंगे, किस में करेंगे, पास्ट में। प्रेजेंट में हम एम का करते थे, ओके, टू बी पास्ट में। और जो बाकी हैं, ही, शी और इट और तथा सिंगुलर। तो अगर आपका सब्जेक्ट ही है, सी है, सिंगुलर है, किसी का नाम है, तो यहाँ भी हम किसका यूज़ करेंगे, वॉज का प्रयोग करेंगे। तो हम 6 प्रकार के सेंटेंस बनाना सीखेंगे। और जो जो वी है, वी, दे, यू, दोज, दीज तथा प्लूरल, ये प्लूरल है, इनके साथ हम वो वर का प्रयोग करेंगे। वर, डब्ल्यू ई आर ई, याद रखना, डब्ल्यू ई आर ई, हम वर का यूज़ करेंगे। आपको याद रखना है सेंटेंस बनाते समय। तो मैंने जैसे आपको बताया कि आई के साथ वॉज का स्पेशल तौर पर कुछ लोग वर का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने स्टार में लिखा है। आई के साथ हम वॉज का प्रयोग करेंगे। ही, सी, इट, सिंगुलर मतलब होता है एक वचन। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक वचन। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। और जो पहली बार हो तो उसकी मीनिंग आपको मालूम है। ही का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, शी का कहाँ कर सकते हैं, तो वो हमने पास्ट की क्लास में हम देख चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। तो जब आप क्लास देखोगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ही, शी, इट का मतलब वह होता है, और हम किस जगह हम यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो इससे पहले कि मैं स्ट्रक्चर पे जाऊं, तो मेरा अनुरोध है कि कृपया इसका अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप इसको जब लिखो कॉपी में तो अच्छे से लिख सको। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। सो बहुत बहुत धन्यवाद स्क्रीनशॉट लेने के लिए। तो हम अब स्ट्रक्चर पर आगे बढ़ते हैं। इसको बोर्ड पर जो लिखा है हमें रफ करना पड़ेगा, जगह की कमी के कारण। तो हम सिर्फ रफ करते हैं इस सेंटेंस को, और हर बार की तरह हम 6 प्रकार के सेंटेंस हम बनाएंगे, क्योंकि
हमने छह प्रकार के सेंटेंस बनाना सीखे हैं, तो हम बनाएंगे बहादुर का। जैसे मैंने लिखा हम बहादुर हैं, लेकिन सॉरी उससे पहले हमें स्ट्रक्चर बताने हैं, स्ट्रक्चर इसका कैसे रहता है। तो स्ट्रक्चर छह प्रकार के हैं, तो मैं आपको बता दूं, यह स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव। तो मैंने पिछली क्लास में बताया था एन मतलब नाउन, ए मतलब एडजेक्टिव, जगह की कमी के कारण मैं लिखता हूँ इसको शॉर्ट फॉर्म में, और सब्जेक्ट मतलब को लिखता हूँ एस यू वी। पर इसका नेगेटिव बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर प्लस नॉट प्लस नाउन एडजेक्टिव, इट इज़ वेरी ईजी। ये हो गया नेगेटिव, फिर इसका इंटरोगेटिव बनेगा वॉज ऑब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन एडजेक्टिव नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव। इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव बनेगा, फोर्थ सेंटेंस जो बनेगा तो हम क्या बोलेंगे, आप भी बोलना, वॉज ऑब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रिवर नॉट याद है ना आपको, जैसे प्लस नाउन और एडजेक्टिव का हम यूज़ करेंगे। फिर हम करेंगे क्वेश्चन वर्ड, हर बार की तरह क्वेश्चन वर्ड प्लस वॉज ऑब्लिक वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन एडजेक्टिव। क्वेश्चन वर्ड को मैं शॉर्ट लिखता हूँ जगह की कमी के कारण। तो ये हो गया क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। फिर क्वेश्चन वर्ड जो इंटरोगेटिव सेंटेंस छठवां सेंटेंस है, सिक्स सेंटेंस है, ये है क्वेश्चन वर्ड प्लस वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस नाउन एडजेक्टिव। तो हमने छह स्ट्रक्चर आपके सामने मैंने लिख लिए हैं। तो पहला सेंटेंस, पहला स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस नाउन एडजेक्टिव। फिर यही नेगेटिव बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस नॉट प्लस नाउन एडजेक्टिव। इंडिकेटिव बनेगा सब्जेक्ट सॉरी वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन एडजेक्टिव। फिर फोर्थ बनेगा वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा स्पेशल तौर पर नाउन एडजेक्टिव। क्वेश्चन वर्ड वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन एडजेक्टिव। क्वेश्चन वर्ड वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस नाउन एडजेक्टिव। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाने हैं, क्योंकि हम स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं। तो जो मैंने क्वेश्चन वर्ड लिखा है, तो मैंने आपको बताया था क्या क्यों कैसे कब कहाँ किस जगह, इसकी मीनिंग सेंस लगेंगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको सब बताने वाला हूँ। क्वेश्चन वर्ड का भी अपन सीरीज चलाएंगे, जितने भी क्वेश्चन वर्ड है उनको लेके उनके सेंटेंस भी बनाना की बनाने की प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, बोलने की कोशिश करेंगे। तो आप बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ सिर्फ सेंटेंस को बनाना है, सेंटेंस को बनाना हमें सीखना है। तो हम कोई भी पहला सेंटेंस लेते हैं, इसको हमें डिब्बे में बंद कर देता हूँ। तो मैं सेकंड वाला सेंटेंस लेता हूँ, हम बहादुर थे। तो कैसे बनाएंगे, हम बहादुर थे, आपको याद है ना, हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में हमें सेंटेंस बनाना सीखने हैं, ताकि हम अच्छे से ट्रांसलेशन कर सकें। कोई भी पूछे तो हम बिल्कुल फटाक से एक सेकंड भी ना लगे हम सेंटेंस को बना दें या हम बोल दें। तो हम बहादुर थे बिल्कुल आसान है, हम बहादुर थे। बी के साथ मैंने क्या बताया, बी के साथ किसका यूज़ करते हैं, बर का उपयोग करते हैं, बी बर ब्रेव। फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट, सेकंड सेंटेंस इज डैट हम बहादुर नहीं थे। ओके, कैसे बनाएंगे, बी बर अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर नॉट ब्रेव, कोई भी सीख सकता है बिल्कुल बनाना, बिल्कुल इजी है। फिर हम बनाएंगे क्वेश्चन वर्ड, क्या हम बहादुर थे, बहादुर थे कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, क्वेश्चन वर्ड है, यहाँ क्वेश्चन वर्ड लगा देना, क्वेश्चन का मार्क, क्या हम बहादुर नहीं थे, इसको हम क्या हम क्या हम बहादुर
नहीं थे, क्या बनाएंगे? वर बी नॉट ब्रेव। इसको देख लो, मैंने सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया, याद रखना, प्रोनाउन के बाद लगाया है मैंने, ये है सब्जेक्ट है, इसके बाद नॉट लगा है, वर बी ब्रेव, ये नाउन है, अपन ने नाउन और एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है ना बहादुर, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करना है, तो हम बहादुर कब थे, याद रखना, हमेशा जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो बीच में आता है, पहले नहीं आएगा। जो क्वेश्चन वर्ड है, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, किस जगह, किस समय पर, किसकी तरह है, वो कहाँ आएगा, बीच में आएगा, हमेशा याद रखना है आप लोगों को। तो कैसे बनेंगे, वैन की मीनिंग क्या, सॉरी कप की मीनिंग क्या होती है, वैन होती है, वैन, डब्ल्यू एच ई एन, वैन, बर बी ब्रेव, इट इज़ वेरी इजी, बहुत आसान है। हम बहादुर कब नहीं थे, क्या बनाएंगे, बर बी नॉट ब्रेव, सॉरी, हम बहादुर कब थे, मैंने गलत बना दिया, वैन वर बी ब्रेव, ओके, ये सही हो गया, गलती इंसानी से होती है, तो आप और हम इंसानी हैं, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है गलती करना, ओके। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हमें सेंटेंस को बनाने कैसे हैं, टू बी पास्ट के सेंटेंस हम बनाते कैसे हैं। तो हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, तो जब मैंने लिखा मैं मासूम था, अब मेरे साथ बोलना मैं मासूम था, आई वॉज इनोसेंट, मैं मासूम नहीं था, आई वॉज नॉट इनोसेंट, क्या मैं मासूम था, वॉज आई इनोसेंट, क्या मैं मासूम नहीं था, वॉज आई नॉट इनोसेंट, मैं मासूम किसकी तरह था, किसकी तरह की मीनिंग होती है, एवर बींग होम, एवर बींग होम, वॉज आई इनोसेंट, मैं किसकी तरह मासूम नहीं था, एवर बींग होम, वॉज आई नॉट इनोसेंट। तो आप लोग समझ गए होंगे हमें प्रैक्टिस कैसी करनी है, लेकिन सबसे पहले हमें सेंटेंसेस को बनाना है। जो मैंने 5 सेंटेंस दिए हैं ये तो एग्जाम्पल के तौर पर है, लेकिन आपको कम से कम अपने मन से, दिमाग से सोच कर 10 सेंटेंस बनाना है, फोटो खींचना, और ECLE जो ग्रुप है, मैं बता दूँ, ECLE टेलीग्राम पर ग्रुप है, इस पर नए हो तो आप ज्वाइन कर लेना, और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको फ़ोटो खींचकर अपलोड करनी है, जब मैं, ताकि मैं देख सकूं आप लोग सेंटेंस बनाते कैसे हैं, और मैं मोटिवेट हो सकूं कि एस पीपल रिस्पॉन्स मी, लोग हमें रिस्पॉन्स करते हैं, और मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोग अंग्रेजी अच्छी तरह के इसे सीख रहे हो। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी, यह वीडियो लेक्चर कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मैं एक और बात मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, कि मैं किसी भी व्यक्ति से गलती हो सकती है, मुझ पर भी गलती हो सकती है, मैं 100% नहीं हूँ, तो मुझ पर जो भी गलती हो ग्रामर में, तो आप सुधार कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ईजी सेंटेंस है। और जो भी व्यक्ति का कोई सजेशन है, या कोई मुझे कोई सुधार की ज़रूरत है, तो आप लोग कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो कृपया शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, अपना खूब ख्याल रखें, टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।